इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने इंदौर विकास प्राधिकरण के विकास कार्यों को लेकर आईडीए कार्यालय पर अधिकारियों के साथ बैठक की। जो विकास के कार्य चल रहे हैं उसकी समीक्षा को लेकर हम सब बैठे हैं और इंदौर विकास प्राधिकरण शहर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कई प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उसको देखने के लिए आज यहाँ आए और उन्होंने कि किस प्रकार से इस शहर में जो हमने विकास के काम कर रहे हैं उसकी जानकारी दी। कोविड के कारण कुछ समस्या जरूर थी और उसके कारण थोड़े जो प्रोजेक्ट समय सीमा पूरा होने से उसको थोड़ा विलंब जरूर हुआ, लेकिन अब तेज़ी से काम चल रहे हैं। खास करके पिपलियाना ब्रिज में हमने देखा लगभग पूरा होने को जा रहा है, उसकी तैयारी है आने वाले कुछ माह में पूरा हो जाएगा। इसकी नंबर 140 की जो हमारी आनंदवन 2 फेस उसकी शॉपिंग और रेसिडेंशियल है, बाकी जो मध्यम वर्गीय और गरीबों के लिए जो आवास व्यवस्था है उसके लिए भी इंदौर विकास प्राधिकरण बिल्डिंग बना रहा है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में वो भी शहर को मिलेगी। MR10 पर बस स्टैंड जो कि कई वर्षों से लंबित था काम, उसका काम भी तेज़ी से चल रहा है। सुपर कॉरिडोर में लगभग निर्माण कार्य तो गया, लेकिन उसकी जो आगे वाली स्कीम है जो एयरपोर्ट को ज़मीन मिलने वाली है इसकी नंबर 172, उसका काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। आने वाले मुझे लगता है कुछ दिनों में वो भी काम पूरा हो जाएगा। जब वो काम पूरा हो जाएगा तो एयरपोर्ट को हम जो एक्सपांशन के लिए ज़मीन देना है वो ज़मीन दे पाएंगे। तो इस प्रकार इंदौर विकास प्राधिकरण ने बहुत सारे जो काम हाथ में ले रखे हैं आने वाले दिनों में पूरे होंगे। मुझे लगता है कि जो इंदौर की आवश्यकता है ज़रूरत है उसके अनुसार वो काम कर रहा है। शहीद पार्क लगभग पूर्ण हो गया है, लेकिन उसमें ये बात आ रही थी कि उसको चलाने के लिए संचालन संधारण के लिए जो पूर्व में बात हुई थी उसमें अभी निर्णय होना बाकी है। मुझे लगता है कि अब उसमें शीघ्र निर्णय होगा और जैसे ही संचालन संधारण का निर्णय होगा वो उसका लोकार्पण भी हो जाएगा। प्राधिकरण ने हमने देखा कि BRTS में जिस प्रकार का ट्रैफिक कंजेशन रहता है उसको ध्यान में रखते हुए उस समय हमने योजना बनाई थी एलिवेटेड ब्रिज की, और उस समय तत्कालीन हमारे जो लोकसभा की अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन जी के नेतृत्व में नितिन गडकरी जी जब इंदौर आए थे तब उनके सामने ये विषय रखा था और तब उन्होंने उस प्रोजेक्ट को देख के तत्काल स्वीकृति दी थी। कालांतर में उन्होंने उसकी राशि भी प्रदेश सरकार को दी थी लगभग 350 करोड़ रुपये। उस समय प्रदेश सरकार में जो विभाग था उन्होंने वो विभाग आवास और पर्यावरण से बदल के उसको PWD को दे दिया और PWD ने उसकी जो डिज़ाइन थी वो डिज़ाइन चेंज करी और टेंडर भी बुला लिए। चूँकि टेंडर बुला लिए और टेंडर में पार्टियों का आपस में कुछ डिस्प्यूट होने के कारण वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। चूँकि मामला सुप्रीम तक गया लेकिन हमारी जो मूल भावना थी जो हमने इंदौर विकास प्राधिकरण ने उस समय बनाई थी वो ये था कि नीचे हमारा जो BRTS है उसके कारण जो जंक्शनों पे जो ट्रैफिक का लोड रहता है खास करके सुबह और शाम को उसको अवॉइड करने के लिए हम BRTS ऊपर ले गए थे और एक सीधे थ्रू ट्रैफिक की भी हमने योजना बनाई थी ताकि जिनको सीधे LIG से नौलखा की तरफ जाना वो सीधे ऊपर से भी जा सकते और बसों सभी ऊपर से जाएगी तो नीचे पूरा क्लियर ट्रैफिक रखा था। तो उस हिसाब से हमने प्रोजेक्ट बनाया था। मैंने अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय को लेकर बात की थी, उन्होंने PS को बुलाया इसमें अध्ययन करने के लिए और PS ने कहा है कि मैं इंदौर आके इस बात की चर्चा करूंगा और आगे क्या हो सकता है इस पर निर्णय लेंगे। मेट्रो को लेके काम वापस शुरू हो रहा है और मध्य प्रदेश सरकार उसमें बिल्कुल गंभीरता से विचार कर रही है। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मेट्रो को लेकर इंदौर और भोपाल मेट्रो को लेकर बैठक ली थी, उस बैठक में सभी आवश्यक निर्देश दिए गए और मुझे लगता है 1-2 दिन में इंदौर मेट्रो काम फिर से शुरू हो रहा है। अभी हाल ही में भोपाल में बैठक हुई थी, यहाँ के CEO भी गए थे और जो सभी कमेटी की बैठक गई थी उन्होंने उसको कहा है कि इसको 5 साल और 7 साल बढ़ाने के लिए कहा है, प्रस्ताव दिया है। मुझे लगता है आने वाले नए व्यय नियम में उसकी संभावना बन रही है। फ्री होल्ड वाला अभी मुझे लगता है कि थोड़े समय के लिए रुका है,
आने वाले समय में उसको भी करेंगे, क्योंकि इसके लिए पब्लिक की डिमांड आती है। फ्री होल्ड के लिए मुझे लगता है शासन के निर्देश आना बाकी होंगे, उस निर्देश के अनुसार काम करेंगे, बाकी फ्री होल्ड होना चाहिए, बात सही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।